सो हे गाइज, फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस एप्लीकेशन का स्पीड लूडो का विनिंग ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं स्पीड लूडो को मैं प्ले करेंगे और लाइव यहाँ पर मैं जो कि विनिंग करके भी दिखाएंगे और आप लोगों को भी मैं ट्रिक जो कि शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पर जैसे कि देखते हैं 87 रुपये 75 पैसे इसकी एंट्री फी है। इसको यहाँ पर मैं सिंपल से गाइज मैं आप लोगों के सामने ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर जैसे मैंने इस पर जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पर मेरा अमाउंट जो कि यहाँ पर कट चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को वेट करने के बाद अभी हमारे सामने जो कि अपॉइंटमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी बंदा यहाँ पर विनिंग करेगा 151 रुपया 50 पैसा जो कि इसको दिया जाएगा। तो सिंपल सा जैसे कि देखते हमारे सामने कोई बंदा जो कि आ चुका है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं गाइज। अब गाइज सिंपल से मैं आप लोगों के सामने जैसे कि लूडो गेम्स को प्ले कर रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक मैं गेम प्ले करेंगे, अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर एक पॉइंट को भी अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो कि ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइज यहाँ पर जैसे कि देखते हैं मैं एक गोटी को लेकर के जा रहे हैं। इसी प्रकार से गाइज आप लोगों को भी यहाँ पर एक गोटी को लेकर के उसके घर के सामने लेके चले जाना, ठीक है। अभी गाइज मैं आप लोगों को जैसा जैसा बताएंगे उस प्रकार से अगर प्ले कीजिएगा तो आप लोगों को पूरा ट्रिक समझ में आ जाएगा, ओके। अभी जैसे कि देखते हैं मेरा 2 आएगा तो यहाँ पर मैं बिठा देंगे उसके घर के सामने। तो गाइज मेरा 5 आ जाए तो मैं फिर से घर से चलेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर मेरे को एक गोटी जो कि 8वां नंबर जो गाइज यहाँ पर जो बिठाने का है ऑप्शन, उस पर लेकर के मेरे को बिठाना ही जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से जो कि गाइज यहाँ पर जैसे देखते हैं मेरा 3 आ चुका था, एक गोटी को मैंने यहाँ पर सेफ्टी के लिए जैसे कि मैंने बिठा दिए। अब गाइज ये बंदा जैसे कि मेरे घर से अगर आगे निकलना चाहेगा भी तो गाइज उसको मतलब थोड़ा सा जो कि डर फीलिंग होगा, ठीक है, कि गाइज मेरे गोटी को काट ना दे, ठीक है। तो गाइज अभी जैसे कि देखते मैंने फिर से जैसे कि दूसरा गोटी को भी मैं लेकर के चलेंगे जब तक आज मेरा 6 ने आ जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के समय बता दूं कि गाइज उसके घर से मैं गोटी को लेकर के आगे नहीं निकलेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि देखते मैं अभी इस गोटी को मैं पीछे वाले जो कि लेकर के जाएंगे सेकेंड वाला गोटी। इसी प्रकार से गाइज आप लोगों को भी प्ले करना, जैसे कि देखते मैंने गोटी को लेकर के उसके घर में जो कि मतलब बिठा दिए हैं, ओके। अगर गाइज मेरा 4 आ जाता, ठीक है, या मतलब कुछ भी इस तरह से अगर आ जाता, अगर उसके गोटी अगर कटने का लायक रहेगा तो उसको आप लोगों को फटाक से काट देना। ऐसा नहीं कि मेरा गोटी को भी काट देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को डर रखना गाइज, आप लोगों को जो कि डायरेक्टली उसके गोटी को उड़ा देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को जो कि अच्छा पॉइंट फिर से मिलेगा, एक गारंटी है रस एप्लीकेशन का। अगर उसके गोटी को थोड़ा सा अगर रिस्क लेके काटते हैं, ठीक है, तो गाइज आपका यहाँ पर 100% जो कि विनिंग्स होना ही होना है, ठीक है। जैसे मेरा 6 आ चुका है, अभी जैसे कि मैंने रिस्क ले लिया, ठीक है। सो भाई लोग, जैसे कि मेरा 4 आ चुका, तो चलिए इसी को मैं रिस्क लेकर के बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार से गाइज अगर आप लोग भी अगर रिस्क लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी जो कि विनिंग करने से मतलब आपको वहाँ पर रोक नहीं सकता है। जैसे मैंने रिस्क लिया, मेरा जैसे कि 6 आ चुका है, फिर से मेरा 5 आ चुका है। अब तो गाइज मेरा एक गोटी जो कि सेफ्टी के साथ जो कि यहाँ पर मेरा बैठ चुका है। गाइज ये बंदा जैसे कि देखते ही गोटी मेरा घर से आगे निकाल दिया, तो कोई बात नहीं, अभी मैं जैसे कि इस गोटी को अंदर कर लेंगे, ओके। अभी जैसे कि देख ही सकते हैं गाइज मैं आप लोगों के सामने जो यहाँ पर मैं गेम्स को प्ले कर रहा हूँ, ये बंदा जैसे कि देखते हैं मेरा भी मतलब घर से सामने से एक गोटी को इस बंदे ने जो कि निकाल दिया है। सो भाई जैसे कि देखते हैं मेरा 3 आ चुका है। अब गाइज मैं यहाँ पर करेंगे क्या, टाइमिंग को थोड़ा सा वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को गाइज मैं बता दूँ कि इस गेम्स में अगर यहाँ पर विनिंग करना चाहते हैं तो अगर उसका स्कोर अगर थोड़ा सा भी अगर माइनस कर देते हैं तो आप लोग टाइमिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को टाइमिंग को वेस्ट कर करके चलना, ठीक है, ताकि आप लोग जैसे कि देखते मैंने यहाँ पर गोटी को मतलब जो कि टाइमिंग जैसे मेरा लास्ट होने के टाइम पर आ जाता है तब यहाँ पर मैं गोटी को टच कर देते, ठीक है। इस प्रकार से गाइज यहाँ पर आप लोगों को अगर चलिएगा तो यहाँ पर जैसे कि बंदा को भी जाए मैं बता दूँ कि गाइज गुस्सा लगेगा, ठीक है। और गाइज वो बंदा हो सके तो यहाँ पर आपका गोटी को मतलब गेम को छोड़ करके जो कि वो भाग भी सकता, ठीक है। अभी जैसे कि देखते मैंने किस तरह से जो कि रिस्की लिए, उसके घर के सामने जा करके मैंने एक गोटी को काट दिए और मेरा फिर से 5 आ चुका है। तो गाइज मेरा गोटी जैसे कि 7 आएगा तभी वो बंदा काट पाएगा, ओके। अभी जैसे कि देखते गाइज यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने चलिए यहाँ पर मैं 2 इसी को चल देंगे, ओके। सो भाई लोग जैसे कि देखते हैं तो गाइज मेरा गोटी को काट दिया उस बंदे ने, कोई बात नहीं। अभी उसका स्कोर जो कि 72 जो कि मतलब हो चुका है और मेरा स्कोर जो कि 169 है, ठीक है। अभी गाइज मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि गाइज जैसे कि देख सकते हैं जो यहाँ पर मैं एक गोटी को फिर से यहाँ से मैं चलेंगे, ठीक है। अभी तो गाइज उस गोटी को अभी मैं सेफ्टी के साथ मेरे को चलना पड़ेगा, नहीं तो गाइज मेरे गोटी को अगर काट देगा तो यहाँ पर मेरा फिर से जो कि लॉस होने का चांस हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि गाइज जैसे मेरा मतलब 6 आता है तभी मैं उसके घर के सामने से गोटी को निकालेंगे, नहीं तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइज यहाँ पर मैं फिर से जो कि मेरा जो घर में जो मेरा 2 गोटी है मैं इस गोटी को लेकर के जो कि मैं चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गाइज जिसमें आप लोगों को मैं बता दूँ जैसे मेरा 5 आ चुका था, यहाँ पर मैं घर से चलेंगे, ओके। उतना ज़्यादा जो कि मैं रिस्की नहीं लेंगे गाइज, अगर उतना रिस्क लेते हैं तो यहाँ पर आपका गोटी को भी उड़ा सकता है। जैसे कि देखते हैं मेरा गोटी को उड़ा दिया इस बंदे ने,
तो गाइस यहाँ पर कोई बात नहीं, उड़ा दिया उस बंदे ने गोटी, तो मैं भी उसका जब कि मैं अभी रिस्क लेंगे। ओके तो आप लोग भी गाइस कुछ इस प्रकार से जो कि मतलब रिस्क लेकर के अगर गाइस यहाँ पर प्ले कीजिएगा गाइस, मैं बता दूं कि गाइस डर के आगे जीत है। आप लोग एक कहावत तो सुना होगा, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा अच्छा से प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के सामने जैसे कि प्ले कर रहा हूँ, ये बंदा भी गाइस एक गोटी को लेकर के जैसे कि अंदर जा चुका। आप लोग जैसे कि लाइफ प्रूफ के साथ देखता, हालांकि अब अंदर गया नहीं है लेकिन अंदर चला ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो कि मतलब घर के सामने जो कि बंदा जा चुका है। तो सिंपल तरीके से भी जैसे कि मैं भी इस तरह से जो कि प्ले कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर आप लोगों को मैनेज करना, ठीक है। अभी जैसे कि एक मिनट का जो कि टाइमिंग बचा हुआ है और मेरा स्कोर जो कि 182 है, उस बंदे का स्कोर जो कि 111 है, ठीक है। अब गज मैं आप लोगों को बता दूं कि गज उस बंदे ने जैसे कि गोटी को अगर अभी ले भी करेगा तो गज उसको मतलब उतना ज़्यादा जो कि पॉइंट नहीं होगा, मेरा मतलब पॉइंट से ज़्यादा उसका पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो गज मैं अभी मतलब जो उसका घर से आगे मैं रिस्क नहीं लेंगे, मैं दोबारा मतलब दूसरा गोटी को लेल करने की चांस में नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि गज मेरा दो गोटी इधर ही पड़ा हुआ है, तो मैं घर से ही दो गोटी को मैं चलेंगे, ठीक है। वो बंदा जैसे कि देखते मेरा घर के सामने आ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं एक गोटी को और लेकर के चलेंगे। तो लेकिन गज यहाँ पर जैसे कि देखते मात्र चूंकि आधा मिनट टाइमिंग बचा हुआ है, इस टाइमिंग को गज यहाँ पर तो मैं वेस्ट करके चलेंगे ताकि गाइस मेरे के लिए जो कि अच्छा होगा विनिंग करने के लिए, ठीक है। टाइमिंग को जैसे मैं वेस्ट करें तो गाइस टाइमिंग खत्म होते गाइस यहां पर आपका गेम तो समाप्त तो हो ही जाता है। अभी गाइस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने मतलब कैसे यहां पर मैं विनिंग करता है आप लोग जैसे देख लेना, ठीक है, क्योंकि गाइस जो बंदा जैसे कि गोटी को अगर होम भी कर देता है तो फिर भी गाइस मेरा बराबरी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि देखते हैं मेरा स्कोर जो कि बढ़ करके 198-99 हो चुका है, उस बंदा का 100 जो कि 86 स्कोर जो कि हुआ, ठीक है, होम करने के बाद भी। अब गज आप लोग जैसे कि देखते हैं हमारे गेम तब तक ओवर हो चुका है, मैंने 151.50 रुपया विनिंग कर लिए हैं। आप लोग गज लाइव प्रूफ के साथ देखते गज मात्र जो कि कितना 11 पॉइंट या 12 पॉइंट से मैंने आवाज जो कि विनिंग की आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। तो गज इस तरह से आप लोग जो कि थोड़ा सा रिस्की लेकर के अगर प्ले कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों का 100% विनिंग हो जाएगा। और गज मैं आप लोगों को बता दूं कि गज लगातार के लगातार आप लोगों को प्ले नहीं करना, ठीक है। अभी मेरा विनिंग टोटल 162 रुपया हो चुका है, इसको यहाँ पर अगर मैं विड्रॉ करेंगे, इसमें एक न्यू अपडेट भी आ गया जो कि इसमें आप लोगों को इनिशियली जो कि विनिंग में कैशबैक मिल जाता है। 162 रुपया का मैंने विड्रॉ किया, 108 रुपया मेरे को मिलेगा, उसके बाद जो कि कैशबैक सारा का सारा मेरे जो कि यहाँ पर अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे कि देखते मेरे को यहाँ पर गज 48 रुपया कुछ पैसा जो कि मेरे को 94 पैसा जो कि मेरे को विनिंग में फिर से क्रेडिट कर दिया, इस अमाउंट को लगा करके मैं फिर से प्ले कर सकते हैं, नहीं तो यहां से मैं विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जो कि रस एप्लीकेशन में गेम्स को प्ले करके अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो